भाई कौन सा सप्लीमेंट लेते हो? ये सवाल हर फिटनेस फ्रीक से पूछा जाता है। सप्लीमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है अ थिंग एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट और एनहांस इट। और यहाँ जो समथिंग एल्स है उसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की। ये दोनों चीजें जब आपकी सही है तब इसके ऊपर सप्लीमेंट ऐड करने से आप अपने फिटनेस लेवल्स को गुड से ग्रेट तक लेके जा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। सप्लीमेंट्स की चार कैटेगरीज होती है। बेस सप्लीमेंट्स जो आपको अपने जनरल वेलबींग के लिए कंज्यूम करने चाहिए। परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स जो आपकी फिजिकल अबिलिटीज को बूस्ट करते हैं। कॉग्निटिव एनहांसिंग सप्लीमेंट्स जो आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। और जॉइंट सप्लीमेंट्स जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज बोन और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के सप्लीमेंट्स को मिलाकर एक सप्लीमेंट स्टैक बनता है। आज मैं आपको अपने 9 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि 150 से 4500 तक के बजट में आपको अपने पैसे किन सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। सप्लीमेंट के जो प्राइसेस है वो मैंने पर 30 सर्विंग्स कैलकुलेट करे हैं। एक सप्लीमेंट जो आपको लेना ही लेना चाहिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हड्डियों की स्ट्रेंथ, ब्रेन फंक्शन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। एक स्टडी में ये नोट करा गया कि लो टेस्टोस्टेरोन से सफर करने वाले लड़कों को जब हर रोज 3000 IU विटामिन डी सप्लीमेंट किया गया तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए। अब आप बोलोगे कि विटामिन डी तो हमें धूप से मिलता है, पर आज की डेट में हमारा सन एक्सपोजर इतना लिमिटेड हो चुका है कि पिछले 10 साल की रिपोर्ट्स के हिसाब से 50 से 94% इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट है। इसीलिए हर रोज 2000 IU विटामिन डी सप्लीमेंट करना एक बेहतर आइडिया है। विटामिन डी आपको किसी भी सप्लीमेंट स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी मंथली कॉस्ट आएगी सिर्फ 150 रुपये। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको एक बेसिक फिटनेस स्टैक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें हम विटामिन डी के साथ एक मल्टीविटामिन ऐड करेंगे टू मेक श्योर कि हमारी बॉडी किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट ना हो। इसके साथ साथ हम एक स्कूप वे प्रोटीन ऐड करेंगे अपने वर्कआउट के अराउंड टू बूस्ट नेट प्रोटीन बैलेंस। दिन भर हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट प्रोटीन बैलेंस। अगर आपकी बॉडी का नेट प्रोटीन बैलेंस नेगेटिव है तो आपकी बॉडी मसल लूज करेगी। अगर आपकी बॉडी का नेट प्रोटीन बैलेंस पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी मसल गेन करेगी। एक स्टडी में ये नोट करा गया कि ट्रेनिंग सेशन के बाद 25 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करने से नेट प्रोटीन बैलेंस 10 घंटों तक पॉजिटिव रहता है। मेरे कॉलेज के दिनों में यही मेरा सप्लीमेंट स्टॉक हुआ करता था और इसी के साथ मैंने एक डिसेंट फिजिक और अपनी यूनिवर्सिटी के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में 2nd पोजिशन हासिल करी थी। वे प्रोटीन के लिए मैं आपको मसल ब्लेज का बायोजाइन परफॉर्मेंस वे रिकमेंड करूंगा। इसके एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA और 11.75 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इसमें मसल ब्लेज का इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड एनहांस एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला भी है जो आपकी बॉडी को 50% बेहतर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% ज़्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन देता है। इसे डाइजेस्ट करना बेहद आसान है। कुछ प्रोटीन से आपको ब्लोटिंग और फैट्स की दिक्कत आती है जो इसके साथ बिल्कुल नहीं है। ये क्लिनिकली टेस्टेड है और सर्टिफाइड है बाय लैबडोर USA, तो आप इसकी लेबल एक्यूरेसी और प्योरिटी के लिए अश्योर्ड रह सकते हैं। टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी के मामले में ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंपेरेबल है। इसे ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। Yash30 कोड अप्लाई करके आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कंप्लीट स्टैक विटामिन डी, मल्टीविटामिन और बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के साथ आपको करीब 2000 रुपये कॉस्ट करेगा पर मंथ। इसी स्टैक को आप थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं बायोजाइम परफॉर्मेंस को फ्यूल वन वे से रिप्लेस करके। इसमें बिल्कुल भी माल्टोडेक्सट्रिन ऐड नहीं किया जाता। इसके हर स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन है और ये बहुत ही अमेजिंग फ्रूटी फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है। फ्यूल वन के साथ आपको यही स्टैक 1500 रुपये कॉस्ट करेगा पर मंथ।
अगर आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर है जिसे एक्सरसाइजेस की सही से टेक्निक आती है और स्ट्रेंथ भी एक बिगिनर से ज़्यादा है, तो आपको अपने बेसिक फिटनेस स्टैक में एक फिश ऑयल सप्लीमेंट भी ऐड करना चाहिए। फिश ऑयल आपकी जॉइंट हेल्थ, स्किन क्वालिटी और हार्ट हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। जॉइंट हेल्थ का ध्यान रखना बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने इंटरमीडिएट स्टेज पर इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लेवल ऊपर प्रोग्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है और मुझे रिग्रेट होता है कि फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन में मैंने शुरुआत से इन्वेस्ट नहीं करा। फिश ऑयल आपकी बॉडी की कैलोरिक पार्टिशनिंग को भी इम्प्रूव करता है। इसके सप्लीमेंटेशन से आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करती है फैट में स्टोर करने के बजाय, और ये इफ़ेक्ट मैंने अपनी बॉडी में क्लियरली नोटिस करा है, जिस वजह से मैं फिश ऑयल रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ। ये स्टैक आपको मंथली 2,500 रुपये कॉस्ट करेगा। हमारे अगले स्टैक में हम क्रिएटिन और अश्वगंधा ऐड करेंगे। क्रिएटिन एक पावरफुल परफॉर्मेंस एनहांसर है। हमारी बॉडी अलग अलग मैकेनिज्म्स के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें से एक है ATP साइकिल। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हर बार जब एक फॉस्फेट एटम ब्रेक करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है स्प्रिंट्स, जंप्स एंड हैवी लिफ्टिंग जैसी मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से क्रिएटिन आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो ATP साइकिल में फॉस्फेट एटम्स प्रोवाइड करता है। क्रिएटिन के ऊपर 1,000 से ज़्यादा स्टडीज है जो प्रूव करता है कि क्रिएटिन मसल थिकनेस, स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने और दिमाग शांत रखने में मदद करता है। ये एक एडाप्टोजन है जो बेसिकली आपकी बॉडी और ब्रेन स्ट्रेस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसे बेहतर बनाता है। 2012 की एक रिसर्च में अश्वगंधा सप्लीमेंटेशन को क्रॉनिक स्ट्रेस से सफ़र करने वाले लोगों पर स्टडी किया गया। टेस्ट ने यह नोट किया कि लोगों के परसीव्ड स्ट्रेस लेवल्स कम हुए और ब्लड टेस्ट में नोट करा गया कि उनके कॉर्टिसोल लेवल्स भी रिड्यूस हुए। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कैटाबॉलिक होता है, तो इसे रिड्यूस करना आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये स्टैक मैं सीरियस लिफ्टर्स के लिए रिकमेंड करूंगा और ये आपको कॉस्ट करेगा 3,000 रुपये पर मंथ। हमारा आखिरी स्टैक एक कंप्लीट एथलीट स्टैक है, जिसमें हम अपने वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए प्री वर्कआउट ऐड करेंगे और रिकवरी को बूस्ट करने के लिए ऐड करेंगे विटामिन सी। प्री वर्कआउट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन। ट्रेनिंग से 60 मिनट पहले कैफीन कंज्यूम करने से एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूव होती है। कैफीन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि एक समय पर ये ओलंपिक्स में बैंड था। आज की डेट में सभी स्पोर्ट्स एथलीट्स कैफीन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी कितना थकान महसूस कर रही है उसको भी घटाता है, जिससे आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आप एक्स्ट्रा रेप्स लगा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा दौड़ सकते हैं। कैफीन आपके फोकस को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपके ट्रेनिंग सेशंस की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है। अगर आप प्री वर्कआउट पहली बार ले रहे हैं तो आपको 150 mg कैफीन कंज्यूम करना चाहिए और आप 400 mg तक सेफली कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होने वाली इन्फ्लेमेशन को घटाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसे सप्लीमेंट करते हुए बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे आप अपने ट्रेनिंग सेशन से कम 6 घंटे के गैप में लें, ताकि ये वर्कआउट से होने वाले एनाबॉलिक इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स को सप्रेस ना कर दे। ये कंप्लीट एथलीट स्टैक आपको कॉस्ट करेगा 4,500 रुपये पर मंथ। तो इस वीडियो के साथ मेरा गोल था कि मैं आपको अलग अलग सप्लीमेंट्स के बारे में एजुकेट कर सकूं। आप इस इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने लिए एक खुद का स्टैक भी बना सकते हैं। अगर कोई बंदा इंजर्ड है तो जाहिर सी बात है कि उसे ज़्यादा पैसे जॉइंट सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए कंपेयर टू प्री वर्कआउट और क्रिएटिन। इन सभी सप्लीमेंट और स्टैक के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक डिस्काउंट कोड भी मिलेगा, जिसे अप्लाई करके आप एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक
मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।